May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. बैठिए। हाँ जी, अपना परिचय दें एक बार। जी सर। सर, मैं उदयपुर जिले कानौड़ तहसील का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th तुलसी अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानौड़ उदयपुर से ही पास किए हैं। 12th में मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहे। इसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से BSc में उत्तीर्ण की है। तो उसके पश्चात मैं सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गया था तथा हाल ही में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक SI के पद पर मेरा चयन हुआ है। सर, मेरी हॉबी है सर रूबिक्स क्यूब खेलना। चलिए, SI में आपका चयन हो गया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, एक बात बताएं तो आप पुलिस की नौकरी छोड़कर आइए जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं। जी सर। क्या कारण है उसके पीछे? सर, पुलिस की नौकरी भी काफी अच्छी सिविल सर्जन प्रेस्टिजियस जॉब है, लेकिन सर जो प्रशासनिक सेवा है इसमें मुझे वाइडर स्कोप में तथा ज्यादा पब्लिक डीलिंग का मौका मिलेगा, इस वजह से मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ सर। अच्छा, चलिए ठीक है। आप एक चीज बताएंगे, वो जो मान लीजिए पुलिस के बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही है और आप उस हॉल में एंटर होते हैं SI होने के नाते, और आप वहां पर यूनिफॉर्म देखकर कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से कौन से सीनियर अधिकारी आपके जो है वो IG है? ड्रेस कोड क्या होगा IG की? चलिए सर, IG सर बैटन क्रॉस और एक स्टार के साथ IG की पहचान करूंगा। श्योर है आप? सर 100% श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन। चलिए ठीक है। आप उदयपुर से आते हैं? जी सर। उदयपुर काफी सुंदर जगह है। जी सर। ठीक है, उदयपुर के पांच कोई सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आप किसी को भी सजेस्ट करना चाहेंगे आपके फ्रेंड को यदि उदयपुर घूमना चाहें? जी सर। सर, उदयपुर में सबसे पहले जो आड़ की छतरियां हैं जो मैं वो सबसे सुंदर है। इसके अलावा सर मॉन्यूमेंट्स में लोक कला मंडल वहाँ की सांस्कृतिक कला को बढ़ाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सर वहाँ के जो लेक्स या जो होटल्स हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सर वहाँ का जगदीश मंदिर जो अपनी शिल्पकला के लिए फेमस है वो काफी फेमस है। तथा शिल्पग्राम उत्सव होता है जो पूरी राजस्थान कल्चर या गांव के कल्चर को दर्शाता है, वहाँ सर मैं उसको जाने के लिए प्रेरित करूंगा सर। इसके अलावा सिटी पैलेस महल है जो वहाँ के राजाओं का निवास स्थल रहा है, बहुत सुंदर है। अच्छा, आपने भी लोक कला मंडल का नाम लिया। उदयपुर का लोक कला मंडल अपने कठपुतली डांस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जी सर। कठपुतली के बारे में क्या जानते हैं, कुछ बताएं? सर, कठपुतली यानी सब अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है, जहाँ राजस्थान के गीत है, संगीत है, नृत्य वगैरह है, उनको कठपुतली आर्ट में धागों के माध्यम से दर्शाया जाता है कि उनको डांस करवाना तथा राजस्थान के जो पारंपरिक कल्चर है उनको दर्शाना, सपेरे नृत्य हो गए या फिर घूमर डांस वगैरह हो गए उनको दर्शाना, ये कठपुतली आर्ट से किया जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उदयपुर और अभी अभी वर्तमान में आप जयपुर में रहते हैं? जी सर। उदयपुर में और जयपुर में दो दो जो है वो कोई सी भी असमानताएं बता दीजिए। सर, पहली जो असमानता देखता हूँ मैं सर ट्रैफिक व्यवस्था के रिस्पेक्ट में देखता हूँ मैं। सर, उदयपुर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी कंडीशन जयपुर से थोड़ी सी पुअर है, क्योंकि सर यहाँ जयपुर में देखता हूँ जहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट है, रोड्स वगैरह है या ट्रैफिक लाइट्स का मैनेजमेंट है वो काफी बेहतर है जो उदयपुर में नहीं देखा जाता है। इसके अलावा सर जो हेरिटेज कंजर्वेशन है उसमें उदयपुर को ज्यादा अच्छा मानता हूँ जयपुर से। वहाँ की जो पुरानी हेरिटेज वगैरह जो भी है उनको अभी तक पर्यटक के दृष्टि से भी काफी अच्छा और झीलों को भी काफी अच्छा से समृद्ध किया हुआ है जो मैं जयपुर में कम देखता हूँ सर। यहाँ का जल महल वगैरह जो है या उसको मैं उदयपुर के ताज लेक पहले से कंपेयर करूँ तो मैं उदयपुर में ज्यादा खूबसूरती देखता हूँ सर, ये वजह। थैंक यू। आपकी कोई दो खूबियां बताइए जो हम माने की सेवा के लिए बहुत अच्छी है। एक तो सर मैं हार्ड वर्किंग था, टाइम टाइम पे कुछ नई स्किल्स सीखने का शौक रखता हूँ। जैसे मैं हॉबी में भी रूबिक्स क्यूब में जो नए नए वर्जन है 3x3, 5x5, पिरामिनिक्स इनको सीखने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा सर हाल ही में मैं माउथ ऑर्गन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे डिजिटल जो भी नई चीज आती है उनको मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या मानते हो पुलिस में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि पुलिस अच्छे तरीके से काम कर सके? कोई 3 सुझाव दीजिए जो पुलिस में आप मानते हो कि ये चीजें यदि होती है तो पुलिस एक बेहतर पुलिस के रूप में काम कर सकती है। सर, पुलिस में सबसे पहले जो पर्सनल्स की जो कमी है वो एक बड़ी कमी है, अगर वो पूरी हो जाए तो काफी हद तक इसमें सुधार आ जाएंगे, ताकि केसों का जो फाइलिंग है उसका निपटारा है वो काफी फास्ट हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी मामले हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट्स जो है पुलिस के वो थोड़े मॉडर्नाइज होने चाहिए। आज हमारे जो इक्विपमेंट्स है उनको पुराने गिनती में गिना जाता है, राइफल्स वगैरह वो है, अगर उनको मॉडर्नाइज किया जाए तो इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा सर जो जेंडर सेंसिटिविटी यानी जो महिला पुलिसिंग है उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से डील किया जा सके। इसके अलावा जो डिजिटल प्रशिक्षण जो है जो आज के दौर में देते हैं साइबर अटैक्स वगैरह जो हैं उनके निपटान के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसके लिए इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जा सकता है। एक प्रकाश
डीजीपी का भी नाम पुलिस के क्षेत्र में चलता है, जब मैं कहूँ पुलिस के क्षेत्र में एक कमिटी भी है, तो उसके कुछ रिकमेंडेशन बता सकते हो? जी सर, सर प्रकाश सिंह जो केस है उसमें जो रिकमेंडेशन थी उसमें ऐसा था कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन किया जाए। इसके अलावा पुलिस पे जो अतिरिक्त कार्य है, लॉ एंड ऑर्डर का काम भी, मतलब इन्वेस्टिगेशन काम भी है, केस सोल्व करने का काम भी, जो उसकी मल्टीपल जो उस पर जिम्मेदारी है उनको सेपरेट किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर अलग तथा इन्वेस्टिगेशन का काम अलग किया जाए। इसके अलावा सर जो डीजीपी सर कार्यकाल है उनको एक फिक्स 2 साल के लिए किया जाए, तथा इसके अलावा महिलाओं की जो नियुक्तियां हैं पुलिस में वो बढ़ाई जाए, तथा पुलिस इक्विपमेंट्स को आधुनिक किया जाए, ये सब रिकमेंडेशन इसके द्वारा दी गई थी। एक जगह पर एक सिचुएशन का क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। जी सर, आप ऐसा ही हो या हमें माने एज आरएस ऑफिसर के रूप में हो, चलो आप एज आरएस ऑफिसर बन जाते हो और आरएस ऑफिसर के रूप में तैनात होते हो, वहां पर एक घटना हो जाती है और एक व्यक्ति है और दुर्घटना हो जाती है रोड पे, उसको लेकर के पूरी रोड को जाम कर दिया जाता है, लोग वहां बिल्कुल काफी उग्र हो रखे हैं, तो एज आरएस ऑफिसर के रूप में आप क्या करोगे, कैसे उन लोगों को समझाओगे? सर पहले तो मैं उस केस के बारे में देखूंगा कि केस किस से हुआ है, अगर एक्सीडेंट का वगैरह का केस है तो अगर कोई मैं अपने पुलिस बल के साथ जाऊंगा तो वहां सर जो भी एक्सीडेंट हुआ है किसी का, सर प्रायोरिटी रहेगी कि उसको अस्पताल पहुंचाना तथा उसके जो प्राथमिक उपचार वगैरह अवेलेबल कराना है, अगर कोई घायल हुआ है तो उनको उपलब्ध कराऊंगा। तो इसके अलावा सर जो भीड़ है उनको एक बार हटा के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उनको सुचारू, हटना ही नहीं चाह रही ना, भीड़ तो इतनी उग्र है कि आप यदि भीड़ के बीच में जाते हो तो वो तो बिल्कुल मारने को दौड़ेगी, और स्थिति ऐसी है कि वो आपके समझाने से भी समझ नहीं रही है, तो कैसे समझाओगे उसको, क्या करोगे? सर जब मेरे पास जाप्ता होगा उसकी, उससे मैं कोशिश करूंगा कि वो भीड़ को छटनी करने का प्रयास करूं, क्योंकि सर जो एक्सीडेंट हुआ है वहां अगर वो सही टाइम से पहुंच जाता है, उसकी क्या रिपोर्ट चल रही है अस्पताल में, वो उनको दे सकता हूं कि वो ठीक है या क्या कंडीशन है। उनके जो लीडर है सर मैं उनसे बात करूंगा कि ये स्थिति है, रोड को जाम नहीं किया जाए, इससे ट्रैफिक व्यवस्था भी आगे हो रही है, अगर वो नहीं माने तो मुझे थोड़ा सर थोड़ा उन पर पानी वगैरह का हो गया या थोड़ा हल्का बल्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, आप इस समय देश में महिला सीएम कितनी है बताइए? एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सर राज्यवाइज देखें तो ममता बनर्जी जी हैं जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, इसके अलावा सर अभी। ठीक है, क्या आपको लगता है कि हमारी जो स्वतंत्रता थी वो तत्कालीन परिस्थितियों की उपज थी? सर भारत की स्वतंत्रता तत्कालीन परिस्थितियां नहीं, मतलब जो काफी लंबा संघर्ष था स्वतंत्रता के लिए उसका परिणाम है, जिसमें ब्रिटिश की राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति, उन्होंने जो शोषण वगैरह किए हैं तथा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लंबे आंदोलन किए हैं, जो कांग्रेस की स्थापना है 1857 के बाद से, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद तो ऐसा कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, 5 साल बाद उन्होंने हमको आजादी मिल गई, लेकिन सर तात्कालिक वजह क्या थी हमारी स्वतंत्रता की? तात्कालीन वजह में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें ब्रिटेन की स्थिति का खराब होना एक तो वो रीजन था, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, इनका योगदान तथा ब्रिटेन में जो सरकार का बदलना, ये तत्कालीन कारण थे। लेकिन सर इसके पहले जो जनता की जो मास मूवमेंट है या जनता की भागीदारी है, वो जो पुराने आंदोलन इसमें असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इनमें काफी बड़े स्तर पर जनता की भागीदारी देखी गई थी। उदयपुर में किस अकेडमी का हेडक्वार्टर है? सर राजस्थान साहित्य अकादमी, और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर भी सर वही है जो बागोर की हवेली में स्थित है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया कब से कब तक चीफ मिनिस्टर रहे? मोहनलाल सुखाड़िया जी सर सन 1954 से 1971 कंटिन्यू 17 साल तक राजस्थान के सीएम रहे। ठीक है, उन्होंने क्या विशेष काम किया है, कि कौन सी संस्थाएं डेवलप की? सर मोहनलाल सुखाड़िया ने सर्वप्रथम सर एजुकेशन के क्षेत्र में काफी अच्छे डेवलपमेंट किए थे तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उनके नाम से उदयपुर में बना हुआ है। इसके अलावा सर उन्होंने जो जागीरदारी प्रथा है उनके उन्मूलन के लिए तथा सामाजिक क्षेत्रों में सबके कल्याण के लिए इनके लिए जो सामाजिक जो विभाग था सामाजिक सुरक्षा विभाग वो अपने पास रखा था, तो इस क्षेत्र में उन्होंने उदयपुर में काफी डेवलपमेंट किए हैं। सर इंस्टीट्यूट्स का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से महत्वाकांक्षी हैं या आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं? सर दोनों ही रीजन है, मैं खुद भी महत्वाकांक्षी हूँ, इसी वजह से मैं सर जो एसआई की जॉब है उससे प्रमोशन चाहता हूँ या आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखता हूँ, एज ए सोसाइटी और पब्लिक डीलिंग में काम करना चाहता हूँ सर, कि मैं लोगों से सीख सकूं तथा उनके वेलफेयर के लिए अथॉरिटी से काम कर सकूं। सर मैथमेटिक्स की पढ़ाई किया आपने? जी सर। क्या चेंज फील करते हैं आप अपने आप में? सर मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने से लॉजिकल एप्टीट्यूड या जो रीजनिंग एबिलिटी है वो डेवलप हुई है,
इसमें दिमाग को मतलब एकदम एक्टिव की, आप क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हो, कितने मेथड आपका लॉजिक डेवलप हुआ है जी सर। तो आप बताइए हमारे यहाँ पे फ्री बिजली जो दी जा रही है सबको, उसका क्या लॉजिक है सर? फ्री बिजली मतलब व्यक्तियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी जा रही है, इसके अलावा सर सब लोगों को दी जा रही है। इसका एक टारगेट ये भी है कि इसको पॉजिटिव सेंस में देखें कि लोग सर कंज्यूम करें बिजली को, जैसे कि अगर 100 यूनिट तक आपकी बिजली फ्री है तो लोग चाहेंगे कि हम उसके अंदर एक लिमिट में ही यूज करें ताकि अपना बिजली बिल माफ हो सके। ठीक है सर, इसको पॉजिटिव में देखते हैं। उदयपुर के रहने वाले हों? जी सर। उदयपुर में कानोड? जी सर। ठीक है, कानोड के किसी एक ऐसे अधिकारी का नाम बताओ जो इस समय राजस्थान पुलिस में सबसे सीनियर है। जी सर, सर भूपेंद्र कुमार जी दखे जो डीजी जेल के पद पर कार्यरत। कहाँ है कहाँ के रहने वाले हो? वो सर कानोड के रहने वाले। प्रॉपर कानोड? जी सर। मिले आप उनसे? जी सर। कहाँ मिलना हुआ? सर जयपुर में ही, गांधीनगर उनका जो रेजिडेंस है वहाँ उनका मिला। ऐसा ही बनने के पीछे कहीं उनकी प्रेरणा है आपके? जी सर, हमारे क्षेत्र से बहुत कम ऑफिसर निकले हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण अधिकारी वो है, तो सर मैं उनसे भी, उनसे तथा उनकी फैमिली में एक IFS ऑफिसर है तथा हमारे वहाँ से इंडियन स्टेटिकल सर्विस के ऑफिसर भी है, तो उनसे सर काफी इंस्पायर हुआ हूँ। दक्ष साहब से क्या इंस्पिरेशन मिला? सर वो भी अपनी यंग एज में IAS का एग्जाम निकाल लिया था, तो जब मेरी उनसे बात हुई थी या जब पापा वगैरह से बात होती है क्योंकि वो उनके क्लासमेट्स वगैरह रहे हैं, तो उनसे ये रहता है कि इतनी कम एज में और इतनी छोटी जगह से भी कोई व्यक्ति इतना आगे के पद पे पहुंच सकता है, तो सर कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो सर ये प्रेरणा। जिलों का पुनर्गठन हुआ है जी सर, संभाग का भी हुआ है, आपके संभाग में क्या परिवर्तन आया है? जी सर, सर संभाग के तौर पर देखें तो उदयपुर संभाग से सर 3 जिले जो बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ ये अलग हो चुके थे, बांसवाड़ा अलग संभाग बन चुका है, इसके अलावा एक सलूमगढ़ नया जिला तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र, उस क्षेत्र भीलवाड़ा संभाग मतलब भीलवाड़ा जिला उदयपुर में ऐड हुआ है। इसके अलावा सर यहाँ की विधानसभा सीटों पर भी इफेक्ट पड़ा है, जो पहले 28 थी वो अब 23 हो गई है, तथा जो उदयपुर संभाग का जो ओवरऑल एरिया है उसमें सर जो उदय सागर वगैरह जो झील है, सॉरी सर माफ कीजिएगा ये तो उदयपुर संभाग में ही है, उदयपुर जिले में जो जयसमंद चावंड वगैरह जो एरिया है, सलूमगढ़ जिले में जाने से उदयपुर का क्षेत्र थोड़ा कम हुआ। भीलवाड़ा की उदयपुर संभाग में एंट्री होने से उदयपुर संभाग को क्या मिलेगा? सर उदयपुर वैसे तो मिनरल्स वगैरह एरिया में, हैंडीक्राफ्ट वगैरह में काफी आगे था, भीलवाड़ा के इंक्लूड होने सर जो है टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसका उदयपुर में आने से लाभ मिलेगा, तथा सर ऐतिहासिक रूप से भी भीलवाड़ा जो मेवाड़ का हिस्सा था तो एक सांस्कृतिक पहचान के लिए उदयपुर में इंटीग्रेशन उसका इम्पोर्टेंट। पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या क्या होती है? सर पैरामिलिट्री फोर्स में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, CAPF, ये सर की फोर्स है, उनको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। CPO है या पैरामिलिट्री है? पैरामिलिट्री। ठीक है, गिरवा की पहाड़ियां और नाकोड़ा की पहाड़ियां में क्या समानता कह लो या अंतर, कोई भी एक एक चीज बता दो। सर गिरवा की पहाड़ियां जो उदयपुर वाले क्षेत्र में, जहां देशर हो या जरगा उनको क्षेत्र को कहा जाता है, और अरावली के बीच में जो ग्रीन क्षेत्र उसको बोलते हैं, जबकि नाकोड़ा की पहाड़ियां ग्रेनाइट से मेनली बनी हुई, इसको 56 की पहाड़ियां के नाम से संबोधित किया जाता है। ये जो आप रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग करते हो इससे क्या सीखने को मिलता है? जी सर, सर इससे एक तो सर कंसंट्रेशन डेवलप करने में हेल्प मिलती है मुझे, इसके अलावा मेरा आई हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन ये काफी बेहतर होता है, क्योंकि जो मेरा जो फ्री टाइम कहीं मोबाइल वगैरह में या अदर एक्टिविटी में वेस्ट होता है वो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इससे। इसके अलावा इससे सीखने को मिलता है कि आप अपनी हर एक्टिविटी के लिए खुद जिम्मेदार है, अगर आपने कोई गलत स्टेप लिया है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी आप पे ही है, तो आपको जो अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है उसको आपके लिए पहले से ही कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ेगा, ये चीज सर मुझे रूबिक्स क्यूब से अच्छी सीखने को। लास्ट क्वेश्चन, ACS होम कौन है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम। राजस्थान में सर? हाँ सर, आनंद कुमार जी है। गुड सर, आप चूंकि पुलिस से में है, आपका सिलेक्शन हो रखा है, अग्निपथ योजना के बारे में क्या विचार है आपके? अग्निपथ योजना जो राजस्थान मतलब जो युवा है इंडिया के उनको सैनिक सेवा भर्ती के लिए लागू की गई थी, और इसमें कम एज के युवाओं को सेना भर्ती की जगह उनको 4 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, तथा इसके पश्चात जो 25% लोग हैं उनको सेना में स्थायी रूप से परमानेंट कर दिया जाएगा सर। अच्छा। रोजगार तो स्किल बढ़ाने के क्षेत्र में काफी सराहनीय होगा। राजस्थान के कोई 2 फ्लैगशिप स्कीम के नाम? जी सर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, तथा अनुकृति योजना जो कोचिंग
और निचले वर्ग को ईडब्ल्यूएस के लिए कोचिंग क्षेत्र में योजना है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू प्रतीक। थैंक यू सर।